अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपकी लाई हूँ चिनियोटी मटन कुन्ना की ऐसी ज़बरदस्ती रेसिपी जो बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें जी शुरू करते हैं बनाना और स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कुकर में 3 से 4 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। इस रेसिपी में घी का ही आप इस्तेमाल करिएगा और इसमें 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का सा मैं सौते करूँगी और इसमें मैं इस पायों का इस्तेमाल करी। इसमें मैंने 4 पाए लिए हैं, अच्छे से धोकर साफ़ करके बाल वगैरह उतार 3 से 4 मिनट में भूनूंगी इस घी में अदरक लहसुन में अच्छा सा, ताकि पाए की जो भी स्मेल वगैरह है वो भुनाई में निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और 1 टीस्पून मैं डालूंगी इसके अंदर नमक, नमक आप हसबे जायका भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर और डालकर अच्छा सा मिक्स करके तकरीबन 1/2 लीटर मैं इसमें डालूंगी पानी। और इसको मैं कुकर की सीटी मराऊंगी, 3 से 4 मैंने सीटियाँ मरानी है। 15 मिनट हल्की आग पर मैं इसको कुकर को मैं अच्छा सा गलाऊंगी, या जब तक आपके पाए गलना जाए तब तक आप इसको लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। ये रेसिपी आप बग़ैर पाए के भी बना सकते हैं, तो अगर आप बग़ैर पाए के बनाना चाहें तो ये पाए वाला पार्ट आप स्किप कर दीजिएगा, बाकी कुन्ने की रेसिपी एज इट इज़ वैसी ही रहेगी। अब हम एक मिट्टी की हांडी में 1/2 कप मैंने डाला है तकरीबन घी, मेल्टेड घी है ये, और ये मिट्टी की हांडी में आप बनाएं तो उसका ओरिजिनल टेस्ट आएगा। और इसमें मैंने एक छोटा प्याज को स्लाइस करके डाला है और इसको मैं हल्का सा कलर चेंज करने तक पकाऊँगी। जब तक हमारे प्याज सुर्खी माइल हो रहे हैं मैंने इसमें 1/2 kg लिया है मटन, इसलिए थोड़ा सा बोटी वाला है, मिक्स बोटी वाला है, आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। थोड़ी सी बोनलेस बोटियाँ भी हैं और हड्डी वाला गोश्त भी है। प्याज हमारे का कलर चेंज हल्का हल्का होने लगा है, तो अब इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के मैं काला ज़ीरा लूँगी। इसमें आपने सफ़ेद ज़ीरा नहीं डालना, काले ज़ीरे का इस्तेमाल करना है, इसी वही इसी का ओरिजिनल टेस्ट देगा। ज़ीरे को 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं अपनी गोश्त की जो बोटियाँ हैं ये डाल दूँगी सारी, और मैं अगेन इसको 5 मिनट भूनूंगी बहुत ही अच्छा सा प्याज के साथ। गोश्त के साथ मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। कोशिश करिएगा आपके पास फ्रेश हो तो वही डालिएगा। अदरक लहसुन गोश्त के साथ और प्याज के साथ बहुत ही अच्छा सा गोश्त को फ्राई करना है 5 से 6 मिनट तकरीबन, क्योंकि बाद में इसकी भुनाई नहीं होनी, अभी होगी। उसके साथ मैं खुश खुश मसाले भी डालूंगी, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश डाला है सूखा धनिया, और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या अगर हमें बाद में कम लगेगा तो बाद में डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। बस यही कुछ मसाले थे जो इसमें जाएंगे, और बहुत ही अच्छा सा मसालों के साथ गोश्त को भून लेंगे। मसाले और गोश्त अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, तेल काफ़ी ऊपर आ चुका है, और अब मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालकर अच्छा सा ढककर 1 घंटे तक पकाऊंगी लो फ्लेम पर, या जब तक गोश्त गल जाएगा, और इसमें बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया, अब हम इसको चेक करेंगे खोलकर। गोश्त हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से गल भी चुका है और पानी भी रिड्यूस हो चुका है, तो अब जो हमने पाए गला के रखे हुए थे वो अब इसमें शामिल करूंगी और 15 से 20 मिनट अगेन हम इसको पाए डालकर पकाएंगे। पाए के साथ जो भी यखनी भी बची है वो भी मैं भी इसमें साथ में ला दूंगी।
पाय डालने के बाद 2 टेबलस्पून मैंने घर का गंदम का जो आटा होता है वो आधे कप पानी में मिलाकर अच्छे से घोल लिया है, और वो भी साथ ही मैं इसके डाल दूंगी जब तक हमारा आटा भी गल जाएगा और कुछ पाए कुछ गाढ़े हो जाएंगे, अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। आटे की पेस्ट को हल्का हल्का मिलाते जाना है और फौरन तेज से चमचा हिलाते जाना है ताकि कोई गुठली ना बने। पंद्रह से 20 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी हमारी पाया की ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है, गोश्त भी अच्छा सा गल चुका है, और बिल्कुल लास्ट में मैं डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून यही काला जीरा को हल्का सा हाथ से क्रश करके बिल्कुल एंड में डालना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और बहुत ही अच्छा पाया का कुन्ना पाया का टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। और बस ये रेडी है, आप इसको लाल रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं।